जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सब भाइयों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से अनुरोध करूंगा, अगर हमारे इस चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। सज्जनों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत सुंदर और समझने योग्य अर्थात ज्ञानवर्धक कहानी लेके आए हैं, जिसमें एक चिड़िया का संदेश है कि मूर्ख मित्र से बुद्धिमान दुश्मन अच्छा होता है। तो आइए, कैसे अच्छा होता है तो देखते हैं इस कहानी की ओर। दोस्तों, एक समय की बात है, एक शहर में एक राजा रहता था और उसे बंदर पालने का बहुत अच्छा शौक था, वो बंदर पालता था। दोस्तों, हर इंसान को जीवन में एक ना एक शौक अवश्य होता है। किसी को कुत्ता पालने का शौक होता है, किसी को तोता पालने का शौक होता है और किसी को कोई जानवर यानी बिल्ली पालने का शौक होता है, तो किसी को लोमड़ी पालने का शौक होता है। यानी कोई ना कोई शौक हर इंसान के अंदर होता है। ऐसे ही वो एक राजा को शौक था बंदर पालने का। कई प्रकार के उसके महल में बंदर रहते थे। अगर कोई अच्छी नस्ल वाला बंदर आता था तो उसे देख करके बड़ा खुश राजा होता था। उनमें से एक ऐसा बंदर था जिसके सारे गुण मनुष्य जैसे मिलते थे, सारे काम सारे कर्म उसके मनुष्य जैसे थे, लेकिन अंतर इतना ही था क्योंकि वो बंदर मनुष्य की तरह बोल नहीं सकता था और वो बंदर राजा का बहुत ही लाडला बंदर था। प्रजा के लोग भी उस बंदर को देखते तो उसकी बड़ा सेवा करते थे और कहते थे कि हमारे राजा का ये बहुत प्रिय बंदर है। सज्जनों, एक समय की बात है, राजा जब सोया करते थे तो वो बंदर पंखा डुला के राजा पे हवा करता था। एक दिन राजा महल के अंदर सो रहे थे और बंदर जो था ये पंखा डुला रहा था, राजा पे हवा कर रहा था। इतने में बंदर क्या देखता है कि दो मक्खियां आती हैं और दो मक्खियां आकर के राजा के चेहरा पे बैठ गईं। बंदर उन मक्खियों को भगाने लगा, हटाने लगा, फिर अब मक्खियाँ उड़ी, फिर बैठ गईं, फिर बंदर ने उड़ाया लेकिन वो मक्खियाँ नहीं मानी, फिर बैठ गईं। यानी जितनी बार बंदर उन मक्खियों को भगाता है, मक्खियाँ भाग तो जाती हैं लेकिन फिर पुनः आकर के वो राजा के चेहरा पे बैठ जाती हैं। मक्खियाँ भी बड़ा ढीट हो बन चुकी थीं। धीरे धीरे बंदर उन मक्खियों को उड़ाते उड़ाते परेशान हो गया। अंत में बंदर को क्रोध आ गया। अब बंदर को इतना क्रोध आया, एक तो बंदर ये सोचने लगा, अगर हमारे ये राजा जग गए, हमारे ये राजा अगर जग गए तो हमें मार भी सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाऊंगा और मक्खियों की वजह से राजा जग जाएंगे यानी, और वो मक्खियां राजा की मौत का कारण भी बन रही थी। जब बंदर को ज्यादा गुस्सा आ गया, वो मक्खियां नहीं मानी, तो राजा के पास जो तलवार रखी हुई थी वो बंदर ने निकाल ली और बंदर ने सोचा कि मैं इस तलवार से मक्खियों को मार देंगे। जैसे ही तलवार चलाई, मक्खियों का कुछ नहीं बिगड़ा, मक्खियां तो उड़ गईं, लेकिन राजा का चेहरा कट गया और आधा आधा चेहरा हो गया, राजा खत्म हो गया। तो सज्जनों, कहने का मतलब है कि नादान मित्र से यानी मूर्ख मित्र से अगर हमारा दुश्मन बुद्धिमान है तो वो अच्छा है। इस कहानी का अर्थ यही है और इसका शीर्षक यही निकलता है, क्योंकि दुश्मन मेरा है अगर वो बुद्धिमान है तो बढ़िया है, लेकिन मूर्ख मित्र अच्छा नहीं होता। तो सज्जनों, कैसी लगी ये कहानी? अगर ये कहानी समझ में आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, दूसरों को शेयर करना। राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।